हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एमएनएस प्रेप चैनल डेडिकेटेड टू एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे पॉलिटी के। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के हो चुके हैं, एंड इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है गूगल पर सर्च करके, वैसे उसका आंसर विलियम बेंटिक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है विलियम बेंटिक, उसे एक बार करेक्ट कर लेना। ओके, और ख़ुद भी एक बार सर्च कर लेना कि एग्जैक्ट आंसर है क्या। ओके, बिकॉज इसमें फर्स्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल में ऑलवेज कन्फ्यूजन रहता है, एंड लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत कॉमन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बी आर अम्बेडकर। सो बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑप्शंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी आर अम्बेडकर, एस एन राव या फिर श्री के एम मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बी एन राव। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजिंग है और रेयरली किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इसलिए अगर जब भी एग्ज़ाम आएगा आंसर आपको याद होना चाहिए कि एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो दैट इज़ एस एन बी एन राव। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें से किस कंट्री ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, विदाउट एनी, जैसे हमारे में था कि एक बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके हिसाब से हमें चलना था, एक रूल बुक जिसे हम बोलते हैं, बट ये कंट्री ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई। ऑप्शंस हैं रशिया, इंडिया, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री में आई, दैट इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रांस से आपको याद होगा लास्ट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एमएनएस में, जिसमें आपको रूस से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एक टी पार्टी से क्वेश्चन पूछा गया था, ज़रा उसका आंसर बताओ कि अगर किसी बच्चे को याद है वो क्वेश्चन क्या था। टी पार्टी कहाँ हुई थी, हॉस्टन टी पार्टी कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया हु इज डिस्क्राइब इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म सम्मान। ठीक है, सर्वधर्म संभव, जैसे आपने देखा होगा अगर आप कंटोनमेंट एरिया, जो कि जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री एरिया में, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर जो होली प्लेसेस है, जो मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, उनके बाहर लिखा होता है सर्वधर्म सम्मान। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म को एज सर्वधर्म सम्मान या संभव, तो इसके करेक्ट आंसर क्या है, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, सारे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या जेली सिंह। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सर्वधर्म सम्मान ये कहाँ पर किसने डिस्क्राइब किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडेप्टेड इन द ईयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किस ईयर अडेप्ट किया गया था, अडॉप्टेड पूछा है। ठीक है, याद रखना है अडॉप्ट कब किया गया था, वेट, ओके, तो इसका ऑप्शंस क्या है, 26 जनवरी 1953 में, 1949 में,
एंड 26 नवंबर 1949 या फिर 30 नवंबर 1945। ओके, सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज 26th of November 1949। ठीक है, फोर्स में कब आया? फोर्स में आया था 26th January 1950। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अडॉप्ट किया गया ये पूछा है तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वन स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर फॉलोड इन। ये जो कन्वेंशन है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर फॉलोड इन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, यूके। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर फॉलोड इन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रेजेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। ठीक है, तो ये भी आपका 2021 एमएनएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। ऑप्शंस आपको गिवन है, 448 है, 449 है, 450 है, 395 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 448 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड अर्लियर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं दैट इज 395, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एज ऑलरेडी सेड। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट सॉन्ग इन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, जिसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। एंड राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, जिसके ऑथर हैं, जिसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अब यहाँ पर पूछा है नेशनल एंथम जो है वो कब गाया गया था, किस सेशन में गाया गया था। ऑप्शंस आपको गिवन है, अलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता। कलकत्ता के दो सेशन है क्योंकि कलकत्ता सेशन में ही ये राष्ट्रीय गान हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दिस यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि जब खुद सर्च करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको याद रहेंगी। एज वेल एज आपको सर्च करना है नेशनल फ्लैग डे। हम नेशनल फ्लैग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल फ्लैग डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स व्हाट। ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर इंडिया से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन ए इज पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी या फिर सोशल यूनिटी। व्हाट द टर्म ग्रेटर इंडिया मींस। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज रिलीजियस यूनिटी। रिलीजियस यूनिटी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो होली प्लेसेस है इंडिया के अंदर उसे एज अ सर्वधर्म सम्मान यह संभव माना गया। ठीक है, सर्वधर्म संभव, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, रिलीजियस यूनिटी, ग्रेटर इंडिया से ये मतलब है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, किस आर्टिकल को बोलते हैं? और ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? इसे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बोलते हैं। अगर हमारे कभी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फिर एक्सप्लॉइट होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमको बताया था कि ये हार्ट एंड सोल इन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज भी बोलते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को डायरेक्टली हटाया नहीं जा सकता, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंडर में जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हटाए जाते हैं। एज वेल एज जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो कि हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, उनका भी इम्पीचमेंट होता है, वो भी डायरेक्टली, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो उन्हें हटाना एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो उनका एक अलग से प्रोसेस होता है जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये इंडिया ने अडॉप्ट किया है किस कंट्री से? देखो, DPSP हमने कहाँ से लिए हैं ये आपको बताना है।
फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किस कंट्री से लिए हैं, एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ये हमने किस कंट्री से लिए हैं, ये आपको तीनों कमेंट में बताना है, ठीक है। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है, USA से लिया है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, USA। USA से इनमें से हमने कौन सा लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, एक लिया है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन है, ये कौन थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ऑप्शंस आपको गिवेन है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी हैव इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमारे पास कौन सी डेमोक्रेसी है। ऑप्शन ए इज डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिक्टेटरशिप। देखो डिक्टेटरशिप तो बहुत अभी भी कंट्रीज में है, फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर द नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। प्रेसिडेंशियल कहाँ पर, जहाँ पर प्रेसिडेंट की ज़्यादा पावर होती है, USA में, हमने देखा होगा USA में जनरली जो प्रेसिडेंट है वो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे जो बाइडेन और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले बराक ओबामा, ठीक है। तो हमारे पास जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, जनता ने रिप्रेजेंट किया है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे अंदर, ठीक है, हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, बिल इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल है जो सिर्फ लोकसभा में लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, इनिशिएट किया जाएगा, उस बिल को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन इज ऑर्डिनरी बिल, जैसे ये ऑप्शन है ही तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बिल इनिशिएटेड इन लोकसभा, जो लोकसभा में बिल आएगा उस बिल का नाम क्या है, ये आपसे बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मनी बिल, ठीक है। मनी बिल का जो रेफरेंस है वो सिर्फ लोकसभा से है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। एक्चुअली इनका जो एक्सटेंशन कर दिया है 3 मंथ्स के लिए, ये न्यूज़ में भी था, वैसे तो इनकी रिटायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है लेकिन इनको एक्सटेंशन मिला है 3 मंथ्स का। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, सबको ही पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, श्री के वेणुगोपाल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो केस है, जो भी वकील है, वो कौन लड़ेगा, के वेणुगोपाल, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। नेक्स्ट इज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स द क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज दिस, हु इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, दिस यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस इज ओके, ये आपको बताना है। और बाकी जो मैंने अभी पूछे वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर बताना कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किस कंट्री से लिए हैं, एंड DPSP ये हमने किस कंट्री से लिए हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंट्री से हमने बोरो किए हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन इज हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी कराया है तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए, है ना। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, करेक्ट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। तो द्रौपदी मुर्मू वॉज अपॉइंटेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25th of July 2022। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। ऑप्शंस आपको गिवेन है, एज यू कैन सी आर्टिकल 52, 51A, 51B एंड 41, तो ये 4 ऑप्शंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से किस आर्टिकल से रिलेटेड है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A, ओके, आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज UPSC सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू,
ओके, ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? ऑब्वियसली जो इसके चेयरपर्सन है वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो इनको जो हटाने का जो प्रोसेस है या रेजिग्नेशन है, जो रेजिग्नेशन है वो किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू द प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी बोलने में ऐसा लगता है ना कुछ मिस हो रहा है और टंग जो है वो स्लिप होती है जल्दी जल्दी बोलने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट टू क्वेश्चंस। हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जल्दी मैं इसलिए कराती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो बच्चों को आते ही होते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, नए होते हैं, तो उन एक दो क्वेश्चंस के लिए क्यों पूरा एकदम आधा घंटे की वीडियो बनाओ, इतना टाइम वेस्ट क्यों करो, है ना? जब आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को तो क्यों टाइम वेस्ट करना? तो इसलिए बाकी मॉक टेस्ट में मैं फुल टाइम लेती हूँ। आपने देखा वो मॉक टेस्ट जो है वो आधा घंटे की बन गई है, 40 क्वेश्चंस थे और फिर भी मैंने कम टाइम लिया है क्योंकि यार 40 क्वेश्चंस हैं, फिर भी एक मिनट नहीं लगा पर क्वेश्चंस में, मतलब 40 मिनट्स नहीं लगे, 32 या 31 मिनट्स में वो मैंने मॉक टेस्ट बाइंड अप कर दिया था। तो अल्टीमेट टाइम यही होता है कि यार वीडियो में टाइम वेस्ट क्यों करना? सबसे ज़्यादा आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है, वो आपको भी पता है। लाइक आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, साथ में साथ करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, तो इसलिए। अच्छा, करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ओम बिरला, करिया मुंडा या फिर सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन तो पहले थी तो अब ये नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी या सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी ओम बिरला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओम बिरला। वैसे भी कलर जो है ऑप्शन इस मैच इससे मैच हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा, है ना? मतलब बेवकूफ वाला लॉजिक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, करंट जो चीफ CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? ऑप्शन हैं सरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस CV रामनन, जस्टिस फातिमा बीवी या फिर जस्टिस UU ललित। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है एंड आई होप जिसे नहीं पता उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। CJI ऑफ इंडिया मतलब ये शायद 2018 या 19 में अपॉइंट किए गए हैं आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो CJI ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन है प्रेजेंट टाइम पर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस सरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े। ठीक है, सो गाइज दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा, फातिमा बीवी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ये पहली जज है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ हेयर यू डोंट कन्फ्यूज बिटवीन जो फातिमा बीवी है उनमें और एक और जो क्वेश्चन आता है आपसे, ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल जो जज हैं किसी भी हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज बनी थी कौन, ये आपको बताना है कमेंट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये ऑल ओवर इंडिया में पहली हाई कोर्ट की जज बनी थी, किसी भी हाई कोर्ट में पूछा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली जज बनी थी ये फीमेल ही, और इनका नाम क्या है? लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस फातिमा बीवी हैं ये CJI नहीं बनी है, मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी फीमेल CJI अभी तक नहीं बनी है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई फीमेल CJI नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ये जज रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर है फातिमा बीवी। ठीक है, शी बिलोंग्स टू केरला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ये पिक्चर मैंने नहीं लगाई है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना and keep study and take care of yourself. ठीक है, थैंक यू।